हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आज मैं आप सभी को एक नया अपडेट देने वाली हूँ और वो है यूपी d.el.ed 2019 से रिलेटेड। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि क्या 2 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे और क्या रहेगा कट ऑफ, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि एक नए मतलब अखबार में कल पब्लिश हुआ था कि 2 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, तो चलिए देखते हैं कि वो अखबार में क्या पब्लिश हुआ है, क्या वो सही है या गलत। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ ये पेपर में पब्लिश हुआ है d.el.ed 2019 का शैक्षिक सत्र का प्रवेश लटका। अब जान लेते हैं क्या दिया है इसमें, ठीक है? तो चलिए पढ़ लेते हैं जूम करके। तो देखिए, ये ब्यूरो प्रयागराज से है और क्या लिखा है। तो लिखा है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम d.el.ed 2019 इस बार अधर्म है। अब तक ये प्रवेश शुरू कराने के लिए शासन से अनुमोदन तक नहीं मिल सका है। ऐसे में जुलाई से शैक्षिक सत्र शुरू हो पाना अब संभव नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक अधिकारी कार्यालय ने फिर से शासन को इस संबंध में अनुस्मारक भेजा है। देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट और निजी कॉलेजों में हर वर्ष d.el.ed के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। कुछ वर्ष पहले BTC अब d.el.ed का सत्र लेट होने पर शीर्ष कोर्ट ने हस्तक्षेप करके उसे नियमित कराया था। इसके लिए शासन ने एक सत्र को शून्य कर दिया था, मतलब